2024 के लिए बीएसपी की आज अहम बैठक है। थोड़ी देर में बीएसपी की बैठक शुरू हो जाएगी। मायावती की अध्यक्षता में बैठक होगी। वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। 2024 को लेकर उम्मीदवारों के नामों को लेकर यहां पर चर्चा इस बैठक में होने वाली है, जो अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। मायावती की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। एक्टिव मोड में दिख रही है बसपा सुप्रीमो, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और उससे पहले आज 2024 की तैयारी को लेकर बीएसपी की अहम बैठक है, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बसपा सुप्रीमो की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है, जिसमें 2024 को लेकर उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, 2024 की तैयारी में अहम बैठक बीएसपी सुप्रीमो करने जा रही है। आज लखनऊ में बसपा कार्यालय में मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बसपा के तमाम पदाधिकारी और नेता आज पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं। इस बैठक में अहम माना जा रहा है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जाएंगे किस तरह को पार्टी को आगे बढ़ाना है, वोट बैंक के नाम पर किस तरह से लोगों से बात करनी है। हालांकि 5 राज्यों के जो चुनाव अभी तक आए हैं, उसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी और तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जो आज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच रखी जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों के चुनाव जो आए हैं, उसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी कि पार्टी में एक सीट वहां क्यों जीत नहीं पाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले अगले महीने में जो बहन जी का मायावती का जन्मदिन आने वाला है, उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जाएंगे। हमारे से कुछ उनसे बात कर लेते हैं। आज बैठक में पहुंचे किस तरह के निर्देश देने की कोशिश की जाएगी? आज माननीय बहन जी 2024 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश करेंगी हम सभी को। और माननीय बहन जी दिशा निर्देश इस बात को लेकर करेंगी कि जो बहुजनों का अस्तित्व है, वो बहुजन समाज पार्टी है और अस्तित्व की लड़ाई है। अस्तित्व की लड़ाई में सभी कार्यकर्ता माननीय बहन जी के दिशा निर्देशों पर चलेंगे तो हमें पूर्ण भरोसा है कि 2024 के चुनाव में हम किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। किसी से भी इस बार गठबंधन की बात नहीं चल रही है, चुनाव बात चल रही है कि स्वयं अकेला लड़ा जाएगा, कैसे देखते हैं? अकेला चुनाव लड़ा जाएगा, किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे और माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तन मन धन से निरंतर चलते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि किंग मेकर की बात की जा रही है कि 80 लोकसभा सीटों में इस बार कितनी लोकसभा सीट है बीएसपी जीत पाती है, ये बड़ी बात होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के साथ साथ जाति समीकरण को भी देखा जाएगा कि जाति समीकरण के आधार पर किन किन सीटों पर कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। कैसे देखा इस अतीक अहमद जी, मीडिया लखनऊ। और इस वक्त विवेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। विवेक का सीधा रुख कर लेते हैं। विवेक, मीटिंग को लेकर अभी क्या कुछ वहां से अपडेट मिल रहा है? शुरू हो गई है क्या बीएसपी की बैठक? देखिए 10 मिनट पहले बैठक शुरू हो चुकी है। मायावती सही समय पर पहुंचती हैं और टाइम की बड़ी पाबंद है, अनुशासन में उनकी पार्टी भी रहती है और खुद रहती हैं। 10 मिनट पहले बैठक शुरू हो चुकी है, मायावती अंदर हैं। देश भर के तमाम बड़े पदाधिकारी जो बसपा से जुड़े हुए हैं वो यहां पर है, चूंकि लोकसभा चुनाव है, देश का चुनाव होता है, इसलिए सारे बड़े पदाधिकारी देश भर से यहां पर आए हुए हैं। 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी, मैदान में थी। हालांकि वो जो उम्मीद थी, जो वोटों का प्रतिशत था कि वो बढ़ेगा, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, लेकिन आज उन राज्यों के विधानसभा चुनाव की समीक्षा होगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की 2024 की रणनीति तय होगी कि लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी मायावती की उत्तर प्रदेश में और बाकी अन्य राज्यों में, यानी अन्य राज्यों में जहां जहां बसपा के प्रभाव है, जहां वो अपने कैंडिडेट उतारती हैं, वहां पर किस तरह से चुनाव लड़ेंगी, कौन कौन से चेहरे होंगे। चूंकि मायावती ने साफ कर दिया है कि वो किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी, यानी इंडिया और एनडीए दोनों से वो अलग रहेंगी, लेकिन क्या छोटे छोटे दलों से? चूंकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने तमाम छोटे छोटे दलों से गठबंधन करके वहां पर पार्टी के प्रत्याशी उतारे थे, और अब लोकसभा चुनाव में भी क्या छोटे दलों को वो साथ में जोड़कर आगे बढ़ेंगी या फिर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी, जो संभावना चल रही थी कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद वो अपनी रणनीति तय करेंगी कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, वो शामिल होंगी या नहीं होंगी। तो आज इस बैठक में सारे पदाधिकारी जुटे हैं, वो सब तय करेंगे कि क्या गठबंधन होना चाहिए। हालांकि एक छोटा सा जो पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनका दबाव ये है कि गठबंधन होना चाहिए, वो चाहते हैं कि गठबंधन हो, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि मायावती का वोट प्रतिशत लगातार कम होता जा रहा है और पिछले 11 साल से वो सत्ता में नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश में 11 साल से सत्ता में ना होने का प्रभाव ये होता है कि जो तमाम बड़े नेता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, जो सांसद हैं, दानिश अली अभी पार्टी से निष्कासित किए गए हैं, इस तरह से जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो पार्टी छोड़ के दूसरी बड़ी पार्टी का रास्ता देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि क्या जो पार्टी नेताओं का दबाव है कि गठबंधन होना चाहिए, वरना लोग ऐसे जैसे दानिश अली ने अभी मुखर हुए हैं, उन्होंने उनको अनुशासनहीनता के आरोप में निकाला गया है, उसी तरह से और तमाम जो बड़े
नेता है पार्टी के, जो सांसद है, क्या वो भी बाहर का रास्ता या किसी दूसरे का रास्ता देख सकते हैं? क्योंकि जब ज्यादा दिन हो जाते हैं सत्ता से दूर रहते हुए तो कार्यकर्ता और नेता दोनों ही पार्टी से किनारा करने की कोशिश करते हैं, दूसरी बड़ी पार्टियों की ओर जाने की कोशिश करते हैं। तो वही स्थिति आज बहुजन समाज पार्टी की है, 11 साल से सत्ता से दूर है, 2007 में सरकार बनी थी, 2012 में अखिलेश यादव ने बसपा को हराकर यहां पर सत्ता पर काबिज हुए थे। तो ऐसे में आज का चुनाव रणनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। रणनीति क्या होगी, कौन कौन से समीकरण सेट करेंगे, ये आज की बैठक तमाम राज्यों में मायावती के बहुजन समाज पार्टी के समीकरण भी सेट करेंगे और तमाम अन्य पार्टियों के, यानी जो दलित वोट कहा जाता है कि मायावती का कोर वोट है, दलित मुस्लिम वोट बैंक, ये वोट बैंक किस इन सभी अगर देखा जाए बातों के मुताबिक तो ये चाहे उम्मीदवारों को मंथन करने को लेकर हो या फिर सबसे बड़ी बात गठबंधन से जुड़ी हुई कि गठबंधन के साथ मायावती जाने वाली है या फिर नहीं जाने वाली है विपक्षी गठबंधन के, ये शायद आज यहां से तय हो जाएगा विवेक। बिल्कुल, आकलन आपका बिल्कुल सही है और हमारा भी आकलन यही है, क्योंकि गठबंधन को लेकर मायावती ने जरूर साफ किया है कि वो किसी भी दल के साथ नहीं रहेंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनका दबाव है कि गठबंधन में शामिल होना चाहिए, नहीं तो जिस तरह से लगातार उनका वोट प्रतिशत चुनावों में कम होता जा रहा है, अभी विधानसभा चुनाव के परिणाम में हमने देखा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में उनका वोट प्रतिशत कम हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी कम हुआ है, तो ऐसे में उनका दबाव यह है कि गठबंधन करें, नहीं तो पार्टी के बड़े नेता दानिश अली की तरह और भी नेता मुखर हो सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ बयानबाजी सकते हैं और दूसरी तरफ दूसरे दलों का रास्ता देख सकते हैं। ये दबाव आज इस बैठक में मायावती के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने सुझाव भी देंगे। देखिए, बसपा को कहा जाता है कि बसपा एक अनुशासित पार्टी है और बिना किसी मायावती के अलावा कोई बयान जारी नहीं करता है, लेकिन तमाम पिछले दिनों हमने देखा, पिछले कुछ महीनों में, कि बसपा के कुछ नेताओं ने मुखर होना शुरू कर दिया है, बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको डर है अपनी राजनीति खत्म होने का। उनको लगता है कि अगर वो बसपा से जुड़े रहे तो जिस तरह से बसपा लगातार सत्ता से दूर है और सत्ता में नहीं आ पा रही है, कोशिश करने के बाद भी उनका वोट प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है, जो वोटर है, कोर वोट बैंक उनका टूटता जा रहा है, तो ऐसे में उनका दबाव यह रहेगा कि कोर वोट बैंक को जोड़े रखने के लिए, तमाम बड़े नेताओं को जोड़े रखने के लिए पार्टी का गठबंधन होना चाहिए। कुछ छोटे छोटे दल हैं जो मायावती के साथ जाने में इंटरेस्टेड हैं, अभी जो समाजवादी पार्टी का एक सहयोगी दल था, महान दल, केशव देव मौर्य जिसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने मायावती की फोटो के साथ ट्वीट किया है, तो यह माना जा रहा है कि बहुत सारे छोटे दल ऐसे यूपी के, उत्तर प्रदेश के, वो बसपा के साथ लोकसभा चुनाव में जा सकते हैं अगर गठबंधन नहीं होता या गठबंधन में शामिल नहीं होती है तब। हालांकि इंडिया गठबंधन का प्रयास यह है, कांग्रेस की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को भी साथ ले आए, अगर वो साथ आ जाती है तो निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता विवेक, अगर बसपा सुप्रीमो साथ नहीं जाएंगी तो उसका सीधा सुधा जो नुकसान है वो विपक्षी गठबंधन को ही होगा, क्योंकि वोट काटने के कहीं ना कहीं कार्य यहां पर बीएसपी की तरफ से जरूर किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर और सबसे बड़ा राज्य है, तो ऐसे में अगर इन सभी 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो विपक्षी गठबंधन को ही होगा, और इसलिए शायद विपक्षी गठबंधन कोशिश यही कर रहे हैं कि बीएसपी का साथ उन्हें मिल जाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल इंडिया गठबंधन की कोशिश है, कांग्रेस की खासकर लगातार कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को साथ में लाया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी से ज्यादा प्रभावी बहुजन समाज पार्टी उनके लिए हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी अगर आएगी तो मुस्लिम और जो दलित वोट बैंक है वो एकजुट होकर कांग्रेस के खाते में जाएगा, सीटों का जो फार्मूला तय होगा उस आधार पर, चूंकि समाजवादी पार्टी ने पहले कह दिया कि हम जिताऊ कैंडिडेट को ही सीटें देंगे, तो कोशिश यह है कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी, ये तीन जो बड़े दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनको साथ में आना चाहिए। कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है, कांग्रेस के बड़े नेता, देखिए पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बयानबाजी हुई, सपा की तरफ से बयानबाजी हुई, कांग्रेस की तरफ से हुई, दोनों आपस में लड़ते रहे, लेकिन मायावती कहीं बीच में नहीं आई, बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता बीच में नहीं आया, दोनों को लड़ते हुए देखा सबने, लेकिन मायावती अलग थी, तो ये माना जा रहा है कि मायावती को साधने की कोशिश हो रही है। मायावती के खिलाफ अगर कांग्रेस के नेताओं से पूछा भी जाता है तो वो बयान देने से मुकर जाते हैं, मना करते हुए बयान इस वक्त दे रहे हैं। अभी के लिए विवेक आपका शुक्रिया, आगे जो भी अपडेट होगा आपसे लेते रहेंगे।